बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हम विजिट कर चुके हैं झारखंड के मोहम्मदगंज में और यहाँ पर क्या क्या पर्यटन स्थल है उसके बारे में हम पूरे विस्तार से जानकारी आपको देंगे। हमने आपको पहले घुमाया यहाँ का जो बराज है वहाँ पर आपको मैंने घुमाया, उसके बाद हमने भीमचूल्हा को दिखाया। अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं ये बेसिकली एक आईबी था जो कि आज से तकरीबन आपको बता दें तो यहाँ पर 20-25 साल पहले ये बहुत अच्छा आईबी हुआ करता था जहाँ पर लोग आते थे घूमते थे और यहाँ से जो नीचे का नज़ारा है वो देखने के बाद एक अलग ही फील आता था, जैसे मानो लगता था हम किसी नेचर सफारी में आ गए। और इंसान को चाहिए भी कि जब वो सैड मोमेंट में हो या उसका दिल जब न लगता हो तो वो ऐसी जगह का आकर विजिट करें तो काफ़ी नेचर का प्रकृति का हवा मिलता है तो काफ़ी महसूस जो है फील अच्छा गुड होता है। तो हमारे साथ मौजूद हमारे फ्रेंड हैं, ये आपको बताएंगे। यहाँ पर जो यहाँ पर सामने में एक आप देख पा रहे होंगे, कैमरामैन से कहूँगा कि वो इधर दिखाएं थोड़ा सा, यहाँ जो बैराज है ये सिंचाई विभाग का बैराज हुआ करता था और अभी भी है, लेकिन अभी क्या है जब झारखंड बिहार अलग हो गया तो इस बैराज से ज़्यादातर बेनिफिट्स की बात करें तो बिहार के लोगों को ही मिल रहा है, लेकिन अभी इसमें काम जो नहर का है वो टूट फूट सा गया है। ये आईबी के पास हम मौजूद हैं और ये पहले बहुत अच्छा हुआ करता था तो इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और जो ये पर्यटन स्थल बन रहा है भीमचूल्हा के पास वहाँ क्या कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा हमारे फ्रेंड से जानते हैं। एक्चुअली अभी हम यहाँ पर जो है ये गेस्ट हाउस का तिरूप है, सबसे ऊपर वाले हैं, छत पर हैं, तो यहाँ से सारे लोकेशन जो है ये पूरे एरिया का कॉलोनी का दिख रहा है यहाँ पर। तो ये तो इनके बारे में बता ही दिए हो, बाकी मैं बताता हूँ। यहाँ पर सामने ये रेलवे लाइन है, उसके बगल में कैनाल गुजर, ये रेलवे लाइन के आगे जाके टनल है, दो टनल है। अच्छा, एक्चुअली भीमचूल्हा दिख रहा है वो क्या है, वो भीमचूल्हा उसे कहते हैं या फिर नहीं? भीमचूल्हा इन्हीं को कहते हैं, ये जो टनल है इसको यहाँ के स्थानीय भाषा में जो एक यहाँ पर बोलते हैं कि बहुत साल पहले एक पत्थर का जो बना हुआ है जी, अथी मैंने भीमचूल्हा मैंने एक्चुअली वो हाथी का आकार का है जी, जी। तो उन्हीं के नाम पर एक्चुअली उन्हें टनल जो बना गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया रेलवे के द्वारा, वे दो टनल को भी भीमचूल्हा नाम दे दिया गया। अच्छा, अभी मैं वहाँ पर गया था तो देखा था शिलान्यास हुआ है, कुछ पर्यटन स्थल बन रहे हैं। हाँ, तो क्या कुछ है, वो कब तक तैयार? एक्चुअली ये बात है ना कि पीछे कोरोना काल के टाइम ही है, उससे पहले ही यहाँ के जो डीसी थे शांतनु कुमार अग्रहित है, कुछ कोई आए थे शेखावत करके मैंने ट्रेनिंग आई थे, वो आए थे यहाँ विजिट करने के लिए जी। तो वो आए थे तो वहाँ का लोकेशन उनको अच्छा लगा, फिर लगा कि नहीं यहाँ कुछ बनना चाहिए पर्यटन के लिए दृष्टि से, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छा है, बगल में प्रोजेक्ट है, नदी है, कैनाल है, रेलवे टनल है। तो देखे, विजिट किए और फिर सर्वे किए तो उनको लगा कि नहीं कुछ यहाँ पर बनना चाहिए ऐसा, तो वो पार्क टाइप का वहाँ बनाने के लिए वो मैंने निरीक्षण करके गए, तो उसी का लगता है काम मुसलिनास हुआ है, वो पार्क जैसा ही बनेगा। उसके बगल में एक विवाह मंडप भी बनाया गया। इधर एक बार हम कैमरामैन को कहेंगे कि दिखाएं कॉलोनी की जो स्थिति पहले हुआ करती थी आज से।
आप मोहम्मदगंज आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फील होता है और बहुत ही अच्छा नेचर है यहाँ पर। आप देख सकते हैं जो प्रकृति का जो नेचर है वो यहाँ पर आपको एक अलग से फील होगा, ठीक है। और जो बैराज का काम चल रहा है यहाँ पर, जो भीम चूल्हा के पास मैंने आपको दिखाया, जो वहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।